गुड मॉर्निंग मेरे चुटपुट। इंग्लिश में आज हम लोग क्या लिखेंगे? बी। हम लोग ये रिपीट कर रहे हैं ना, पहले एक बार मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और हम लोग फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको क्या सिखाया था? ए, ए फॉर एप्पल। आज हम लोग बी, बी फॉर बॉल लिखना सीखेंगे। तो चलो इंग्लिश की कॉपी निकालो। मैंने यहाँ दो लिख पहले से ही लिख दिया है। थर्ड नंबर स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, थर्ड वाले से लाइन से। पहले स्टैंडिंग लाइन और एक राउंड शेप लेना और एक और राउंड शेप, तो ये आपका पी बन जाएगा। फिर से देखो, सीधी सी एकदम स्टैंडिंग लाइन और ये जो रेड लाइन से मिडिल लाइन तक एक राउंड शेप, और फिर इसी से एक और एक गोल राउंड शेप कर देना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पी। फिर से देखो, स्टैंडिंग लाइन, राउंड शेप एक गोल और एक और राउंड शेप में डाल देना, तो ये आपका पी बन जाएगा। और फिर भी आपको नहीं आया तो आप डॉट देकर लिखना, ठीक है? ऐसे, और इस पे अपनी पेंसिल को ड्रॉ कर लोगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये बी, बी फॉर बॉल। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है, सब घर में पढ़ाई करोगे, सारा जो वीडियोस जा रहा है उसको देखोगे, सीखोगे, क्योंकि कुछ ही दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? इसीलिए सारा पढ़ाई कंप्लीट करोगे, ए बी सी डी लिखना तो ज़रूर सीखोगे। चलो नेक्स्ट, हिंदी। हिंदी में आज हम लोग क्या सीखेंगे? ल, ल से लट्टू। कल मैंने आपको र सिखाया था, र से रस्सी। आज हम लोग ल से लट्टू लिखना सीखेंगे। तो चलो हिंदी की कॉपी निकालो, पहले ऊपर फोर लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, और ये जो सीधी जो लास्ट वाली लाइन है एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, फिर इसको थोड़ी सी नीचे लाकर फिर ऊपर लाओगे, तो ये आपका ल बन जाएगा। फिर से देखो, सीधी लाइन एकदम सीधी सी लाइन, स्टैंडिंग लाइन एकदम ड्रॉ करोगे और ऐसे झुका दोगे, त टाइप का त बनाते हो ना, और फिर इसी से टच करते एक और बना देना है, तो ये आपका ल बन जाएगा, ठीक है? फिर से देखो, सीधी सी लाइन, जैसे त बनाते हो तो नीचे तक नहीं ले जाना है, थोड़ा ऊपर ही छोड़ देना, फिर इसी से ऊपर के लिए लाना, तो आपका ये ल बन जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है पर कोशिश करना तो लिखना सीख जाओगे, त टाइप का करना और फिर इसी से मिलते हुए ऊपर की ओर ले आना, मिलाते हुए, तो ये आपका ल बन जाएगा। अगर ये आप लिख नहीं पाओगे तो डॉट देकर लिखना ऐसे। और इस पे अपनी पेंसिल को ड्रॉ कर लेना इस तरह। ल से क्या होता है? लट्टू। ल से लड्डू भी होता है, जो आपको पसंद है। भीम को खाना बहुत पसंद है, छोटा भीम देखते हो ना, भीम लड्डू खाकर उसके बॉडी में एनर्जी आ जाती है और वो लड्डू खाकर सारे दुश्मनों का खात्मा कर देता है, तो ल से लड्डू भी होता है। आप लोग लिखोगे इसको बाकी जो पेज है। नेक्स्ट, मैथ्स। मैथ्स में आज हम लोग क्या सीखेंगे? कल आपने 27 लिखा, आज हम लोग 27 के बाद क्या आता है? 28। तो चलो मैथ्स की कॉपी निकालो और 28 लिखते हैं। पहले 2 और उसी के पास में 8 लिख देना है, 2 8 28। फिर से देखो, 2 8 28। फिर से देखो, 2 दो लड्डू बना दोगे ऐसे तो 8 बन जाएगा, 2 8 28। फिर से देखो, 2 8 28। अगर फिर भी नहीं आया आपको तो डॉट देकर लिखना। ठीक है, ऐसे ऐसे तो डॉट देने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों सबको आता है, आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो, मुझे मालूम है, सब गुड बॉय एंड गुड गर्ल हो। 2 8 28 2 8 20। इस पे ड्रॉ कर देना अपना पेंसिल को, ठीक है, ऐसे डॉट बनाकर। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है, जल्दी स्कूल खुलने वाला है इसलिए सारा पढ़ाई कंप्लीट करोगे, ठीक है? थैंक यू।